करीब हफ्ते भर से दिल्ली के गुजरात भवन में कैबिनेट को लेकर चल रही माथापच्ची का अंत करीब है। मोदी सरकार के मंत्रियों की सूची लगभग तैयार है। इसमें फेरबदल की गुंजाइश तो बनी हुई है, लेकिन मोटे तौर पर मोदी ने मन बना लिया है। आज दोपहर बाद कभी भी ये लिस्ट राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों को भेजी जा सकती है। इसके बाद आधिकारिक तौर पर नए मंत्रियों को राष्ट्रपति भवन से न्योता भेजा जाएगा। बीजेपी के ज्यादातर सांसद दिल्ली में ही मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ बड़े नेताओं को तो उनके मंत्री बनने की सूचना पार्टी की तरफ से दे दी गई है, लेकिन ज्यादातर नेताओं को रविवार शाम के बाद ही सूचित किया जाएगा। मोदी कैबिनेट में हाई प्रोफाइल नेताओं के साथ साथ छोटे दलों के नेताओं को भी शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, अरुण जेटली और अरुण शौरी को प्रमुख मंत्रालय दिए जा सकते हैं। संघ से परामर्श के बाद रविवार को इस पर मुहर लगा दी जाएगी। बीजेपी से लगभग एक से डेढ़ दर्जन के बीच कैबिनेट मंत्री होंगे। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय दिया जा सकता है, जबकि सुषमा स्वराज को विदेश या रक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है। अरुण जेटली को भी इन्हीं दोनों में से एक मिल सकता है। नितिन गडकरी को इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय मिलने की संभावना है, जो कई मंत्रालयों को मिलाकर बनाया जाएगा। अरुण शौरी को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक 75 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। राजनाथ सिंह के मंत्री बनने की सूरत में उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ेगा। चर्चा है कि पार्टी महासचिव जेपी नड्डा पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे। शनिवार को जेपी नड्डा ने भी गुजरात भवन पहुंचकर मोदी से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने सभी सहयोगी दलों को संतुष्ट करने की कोशिश की है। फॉर्मूले के मुताबिक 12 सांसदों पर एक कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है और 4 सांसद वाली पार्टी को एक राज्य मंत्री की जगह दी जा सकती है। शिवसेना के 18 जबकि तेलुगु देशम के 16 सांसद के हिसाब से दोनों दलों को दो दो कैबिनेट मंत्रालय के साथ साथ राज्य मंत्री का पद भी मिलना लगभग तय है। मोदी के कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 22 से 25 हो सकती है। बिहार में चुनावों को देखते हुए रामविलास पासवान को एक कैबिनेट मंत्रालय मिल सकता है। हालांकि पार्टी एक राज्य मंत्री के पद के लिए भी एड़ी चोटी की ताकत लगा रही है। बताया जा रहा है कि रामविलास पासवान अपने बेटे चिराग पासवान को राज्य मंत्री का पद दिलाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा को भी जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश से अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी बतौर राज्य मंत्री सरकार में शामिल किया जा सकता है। अकाली दल को एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा मिल सकता है। मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के गठन के दौरान उन राज्यों का खास ख्याल रखा है जहां अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, जबकि अगले साल दिसंबर में बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। मोदी ने मंत्रिमंडल में इन राज्यों के नेताओं को जगह देकर चुनाव की रणनीति भी तैयार की है। लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में बीजेपी ने पहली बार अपना खाता खोला है, वहां भी पार्टी की पकड़ को मजबूत करने के लिए मोदी कैबिनेट के दरवाजे खोले जा सकते हैं। मोदी छोटा मंत्रिमंडल चाहते हैं, इसमें कैबिनेट मंत्रियों की संख्या राज्य मंत्री के मुकाबले कम होगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का सिस्टम खत्म हो सकता है। प्रमुख मंत्रालयों की मदद से एक विशेषज्ञ राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। कैबिनेट के प्रमुख मंत्रालयों की मदद के लिए विशेषज्ञों की 28 सदस्य टीम होगी। सरकारी कंपनियों में मंत्रालयों का हस्तक्षेप खत्म किया जा सकता है। एक कमेटी बनाई जाएगी जो सरकारी कंपनियों की रिपोर्ट सीधे पीएमओ को देगी। सूत्रों के मुताबिक कुछ अहम मंत्रालयों का पुनर्गठन भी हो सकता है। ये पुनर्गठन उन मंत्रालयों की कमियों को दूर करके उनकी कार्यप्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी की इच्छा है कि प्रभावशाली कार्यप्रणाली और बेहतर नियंत्रण के लिए कुछ मंत्रालयों का विलय कर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मोदी के शपथ ग्रहण की सारी तैयारी आखिरी दौर में है। नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। बीजेपी के नेता पूरे मामले में राष्ट्रपति भवन से सीधे संपर्क में हैं। अनुमान के मुताबिक इस समारोह में 3,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। मोदी के निमंत्रण को स्वीकार कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने 26 मई की सुबह दिल्ली आ रहे हैं। उनके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम, बांग्लादेश की स्पीकर शिरीन शर्मिन चौधरी और भूटान के प्रधानमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल होने वाले हैं। बीजेपी ने 1250 मेहमानों को न्योता भेजा है। प्रधानमंत्री का सरकारी आवास 7 रेस कोर्स भी मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। नए प्रधानमंत्री के आने से पहले रंग रोगन का काम पूरा कर लिया गया है। मोदी के आने के बाद यहाँ एक छोटी पूजा करने की भी खबर है। हालांकि 7 रेस कोर्स में कोई समारोह नहीं होगा।
बेहद सादे तरीके से पूजा कर मोदी गृह प्रवेश करेंगे। लोकसभा चुनाव में हुई जबरदस्त हार के बाद पार्टी के नेताओं की सार्वजनिक बयानबाजी पर सोनिया ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सोनिया ने सभी को सार्वजनिक बयानबाजी न करने की हिदायत दी है। सोनिया ने कहा, जिसे जो भी शिकायत दर्ज करानी हो वो पार्टी के फोरम में दर्ज कराएं। कांग्रेस के अंदर राहुल के फ्लॉप कार्यक्रमों को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक SMS स्कीम, आम आदमी का सिपाही योजना, चुनाव के तहत उम्मीदवारों के चयन के सभी 16 पायलट सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही NSUI में पैसे का चलन, दूसरी पार्टियों से आए लोगों को 5 साल के पहले टिकट देने से पार्टी को भारी नुकसान होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। राहुल के ना करने के बावजूद 2 बार लगातार चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को 3री बार टिकट मिलना बेहद घातक रहा। इसके साथ ही राहुल ने भरोसा दिया था कि जो उम्मीदवार 1 लाख वोट से हारे हों उसे टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में नियमों की अनदेखी करने से पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई है। इस दौरान सोनिया ने यह माना कि पार्टी देश के लोगों का मूड भांपने में नाकाम रही, जिसके चलते कांग्रेस को ये दिन देखना पड़ रहा है। शाजिया एल्मी ने आम आदमी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। शाजिया ने आम आदमी पार्टी पर दिशाहीन होने और केजरीवाल को एक चौकड़ी से घिरे होने का आरोप लगाया है। शाजिया ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल पार्टी के अंदर लोकतंत्र लागू नहीं कर पाए। तो मैंने इसकी शुरुआत की है पॉइंट आउट करने की कि वाकई में कोई इन पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, और एक छोटा सा एक दायरा है लोगों का, वो जकड़े हुए है पूरी तरह से अरविंद को, और वो ही डिसीजंस ले रहा है। एक गेट कीपर्स बने हुए वहाँ पे, और वहाँ पे गेट्स हैं। लोकसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 27 मई को कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में हार की वजहों को तलाशा जाएगा। बैठक में गुलाम नबी आजाद, दिग्विजय सिंह, अहमद पटेल और जनार्दन द्विवेदी भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद बिजली की जबरदस्त कटौती की जा रही है। कई जगहों पर यह कटौती 10 से 12 घंटे तक की हो रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि जिस जिले में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है वहां बिजली में कोई कटौती नहीं है, जबकि दूसरे जिलों में भारी कटौती कर लोगों को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी को जबरदस्त जीत मिलने के बाद संघ ने हिंदू नेताओं के खिलाफ आतंकी कार्रवाई की जांच को तेज करने की मांग की है। संघ के मुताबिक ये लोग UPA सरकार के राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हैं और जल्द जांच पूरी कर इन पर से मुकदमे हटाए जाने चाहिए। तो हम ये नहीं कहते कि जो पकड़े गए हैं उन पर रहम किया जाए, बल्कि जो पिछली सरकारों ने अन्याय अत्याचार किया है आज की इस नई सरकार से, ये अपील तो उनके इन जो लोग पकड़े गए उनके परिवारों ने भी की है कि अब हमें शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिलना चाहिए। 26 मई को शपथ ग्रहण के दिन बीजेपी ने पूरी दिल्ली में अपने कार्यकर्ताओं से जश्न की तैयारी करने के लिए कहा है। लाल किले से लेकर लाहौरी गेट तक रोशनी के लिए रंग बिरंगे बल्ब लगाए जा रहे हैं। पूरे चांदनी चौक को फूलों से सजाया जाएगा। मोदी के शपथ लेते ही चांदनी चौक के घंटाघर पर जोरदार आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया जाएगा। तो सब अपने अपने तरीके से खुशियां मनाएंगे, कोई लाइट करेगा, कोई पटाखे छोड़ेगा, कोई मिठाई बांटेगा, कोई भंडारा करेगा, कोई जो है जुलूस निकालेगा, कोई झंडियां लगाएगा। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जी हाँ, ये कहावत गाजियाबाद में चरितार्थ हुई। रिटायर्ड फौजी की कार कविनगर थाने के एक कोतवाल अरुण कुमार सिंह की पत्नी की कार से टकरा गई। कार की मामूली टक्कर से कोतवाल साहब की पत्नी इस कदर बौखला गई कि रिटायर्ड फौजी विजेंद्र सिंह को अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली। नोएडा से आ रहे थे जी, हमारी गाड़ी में जो है लेडी जो कि ऐसे कविनगर है, उसने जो टक्कर मारी, पीछे से गाड़ी रगड़ दी। हमने उनको बोला कि हमारी गाड़ी डैमेज हो गई है, बोला हमारी कोई गलती नहीं है, आप हमसे बात नहीं करिए। तो फिर उनको बोला आकर रुकना क्रॉसिंग के वहाँ, हम रुके, हमने बोला आकर उतर के देखे, बोला मेरा उतना काम नहीं है, टूट के टूट जाने दो और आप 10 मिनट रुके, मैं आपको दिखाती हूँ। आरोप है कि पत्नी के फोन करने पर कोतवाल अरुण कुमार सिंह थाने के अन्य पुलिस वालों को लेकर विजेंद्र के घर पहुंचे और विजेंद्र की जमकर पिटाई कर दी। बिहार की जीनत राम मांझी सरकार के लिए नए कला संस्कृति मंत्री मुसीबत का सबब बन सकते हैं। राज्य के कला संस्कृति मंत्री विनय बिहारी पर अश्लील गाना लिखने का एक पुराना मामला सामने आया है।
जिसमें वो अदालत की नजर में न सिर्फ फरार घोषित हैं, बल्कि इस मामले में उन पर कुर्की जब्ती और गिरफ्तारी वारंट भी जारी है। उधर मंत्री ने कहा कि उन्हें किसी मुकदमे की जानकारी नहीं है। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में 9वीं क्लास की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। घटना उस वक्त हुई जब यह छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। लड़की के चचेरे भाई, मामा और दोस्त ने उसे जबरन कार में खींच लिया, जिसके बाद तीनों ने चलती कार में छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। 25 साल के दुर्गेश का पूरा परिवार गमजदा है। शाहदरा में ट्रेन में चढ़ने के दौरान आरपीएफ कांस्टेबल ने डंडे से दुर्गेश को पीछे से मारा, जिसके बाद दुर्गेश प्लेटफॉर्म से होता हुआ सीधे पटरी के बीच में फंस गया, लेकिन तब तक ट्रेन चल चुकी थी। दुर्गेश का एक पैर और एक हाथ तो मौके पर ही कट गया और इलाज के दौरान दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में दुर्गेश की मौत हो गई। परिवार ने दोषी आरपीएफ जवान पर कार्रवाई की मांग की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनका देश भारत के मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ काम करने को लेकर आशान्वित है। उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक, सैन्य और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का वादा भी किया। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक चलती कार से गोलीबारी में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं। अमेरिकी पुलिस के अनुसार यह घटना सांता बारबरा शहर के इसला विस्ता इलाके में हुई। कार चला रहे ड्राइवर ने चलती कार से लोगों को निशाना बनाया। फायरिंग कर फरार होने के चक्कर में तेज रफ्तार कार पर से हमलावर ने नियंत्रण खो दिया। इस हादसे में हमलावर की मौत हो गई। सेना के तख्ता पलट के बाद थाईलैंड में भारी प्रदर्शन हो रहा है। आम लोग सड़कों पर निकलकर फौज की मुखालफत कर रहे हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सेना के विरुद्ध प्रदर्शन के बाद फौज ने कर्फ्यू लगा दिया है। फौज ने पहले ही रात में कर्फ्यू की घोषणा की थी, लेकिन प्रदर्शन को देखते हुए अब दिन में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। लीबिया में बेनगाजी में आतंकियों ने मिसाइल से हमला किया है। इस हमले में 2 नागरिकों की मौत हो गई है। आतंकी सैन्य ठिकानों पर निशाना बना रहे थे, लेकिन हमलावर का निशाना चूक गया, जिसके बाद मिसाइल सीधे रिहायशी इलाके में घुस गया। जर्मनी में तुर्की के प्रधानमंत्री येतीप की यात्रा का विरोध हो रहा है। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस को लोगों पर नियंत्रण करने के लिए रबर के बुलेट चलाने पड़े।